प्लान आया, किसने प्लान किया कि आपके ऊपर कोई बायोग्राफी बने? देखो खुशी तो मेरे मुंह पे भी दिख रही है, एक्साइटेड भी बहुत हूँ और साथ में इमोशनल भी बहुत हूँ। बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस आई, बहुत उतार चढ़ाव आए, तभी बहुत दुख हो रहा था, बहुत पेन और तकलीफ हो रहा था, लेकिन आज वो उतार चढ़ाव को याद करता हूँ तो मैं ईश्वर का, अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उतार चढ़ाव नहीं था एक्चुअली, वो मेरे लिए ब्लेसिंग्स थी जो आज यही चीज़ लोगों को मोटिवेट करेगी, लोगों को प्रेरणा देगी और लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखाएगी। तो जो भी लाइफ की चैलेंजेस है वो हमेशा अच्छे के लिए आती है, उसका मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ। तो बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी ये मूवी, और ये मूवी से जैसे बताया कि सारे जो इनकम आएगी वो फाउंडेशन में जाएगी, तो हमारा फाउंडेशन भी 5 साल से काम कर रहा है। और ये मूवी भी बनाने का मकसद एक ही था कि लोगों की इससे सेवा होगी, क्योंकि बहुत हजारों समस्या से हमारे देश के लोग परेशान हैं, तो थोड़ी बहुत समस्या का हल अलग अलग रास्ते से निकलता है, जिसमें कि ये मूवी है उससे भी बहुत सारे समस्या का हल लोगों का निकल जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये मूवी का प्लान किया है। सर बहुत सारी फिल्में हैं जो फैमिली के साथ बैठ के देखना मुश्किल हो जाता है, इतनी अश्लीलता रहती है कि कहीं ना कहीं लोगों में शर्म की भावना आ जाती है, बहन बेटियों के साथ नहीं देख सकते, तो इसका कितना ध्यान आपने दिया है, कितना बल्गर है फिल्म में या साफ़ सुथरा छवि की फिल्म है, क्या कहना चाहेंगे? देखो मेरी लाइफ ही पूरी साफ़ सुथरी है तो, और रियल लाइफ के ऊपर हमने बनाई है, कोई मसाला नहीं डाला, मसाला डाला होता तो शायद ऐसी कुछ चीज़ें हम डालते, बट ये जो मूवी है ना वो 4 तरह के लोगों को इनफैक्ट प्रेरणा देगी। सबसे पहले यूथ को मोटिवेट करेगी, यूथ को एक डायरेक्शन देगी कि कैसे हमारी लाइफ को डेवलप करना, और दूसरी प्रेरणा है जो बिजनेसमैन है या जो कमर्शियल लाइन में है, जो आज इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से तकलीफ में आ गए, उन लोगों को जोश और हिम्मत देगी कि नहीं आज भले हमारी लाइफ में धूप आया है बट आगे जाके छांव मिलेगा और रहमत और आशीर्वाद की बारिश भी आएगी और हम लाइफ में आगे भी बढ़ेगी, तो वो इनको हिम्मत देगी। और तीसरा जो है फैमिली यूनिटी कितनी इम्पोर्टेंट है ना, ये फैमिली को ये मूवी में देखने मिलेगी कि मिल के जो चैलेंज का सामना करें तो इंसान फैमिली निखर सकती है, अदरवाइज बिखर जाती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि मानव सेवा कितनी इम्पोर्टेंट, मानव धर्म सबसे उत्तम धर्म है, यहाँ ये मूवी साबित करेगी जो मेरी लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट किया है, तो हर तरह के लोगों को मोटिवेट करेगी, तो पूरी फैमिली साथ में देख सकते हैं और साथ में मोटिवेट हो सकते हैं, पूरी फैमिली को ये फिल्म मोटिवेट करेगी। और इन दोनों ने और दूसरे हमारे आर्टिस्ट ने उन लोगों ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, इसके इनके परफॉर्मेंस की वजह से आज मूवी ये लेवल तक पहुँची है और कल 28 फरवरी को पूरे इंडिया में रिलीज होगी। सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, प्लीज़ आप लोग देखो, और आप जो भी पैसे टिकट खरीद के देखने जाओगे उनके पैसे सारे फाउंडेशन में चैरिटी में जाने वाले हैं, तो इनडायरेक्टली आप रिजवान आदित्य फाउंडेशन के पार्टनर्स भी बन जाओगे और लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने में आपका ये छोटे छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत हेल्प करेगा और मूवी आपको भी हेल्प करेगी। ये फाउंडेशन चला के रिजवान भाई जितना भी पुण्य कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हम लोग भी बनेंगे, इसलिए वो पुण्य में हिस्सेदार बनने के लिए आप मूवी देखिए। थैंक यू। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, देखा है फिल्म में जो आपकी रियल कहानी दिखाई गई है, कई बार आप टूटे हैं, बिजनेस में टूटे हैं, अपने पार्टनरों से धोखा खाए हैं, इसके बाद भी आपकी दुकान और आपके मॉल को लूट लिया जाता है उपद्रवियों द्वारा, फिर भी आप अपने आप को संभाल लेते हैं, कहीं ना कहीं हार नहीं मानते हैं, तो ये आपकी रियल लाइफ है? यस मेरी रियल लाइफ है, उसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ। जब मैं छोटा था ना तो बचपन में मैं रिलीजियस बुक्स बहुत पढ़ता था, शास्त्र को मैं बहुत स्टडी कर रहा था, और 13-14 साल के अंदर मैं रिलीजियस बुक्स में और रिलीजियस में मैं थोड़ा आगे निकल गया, जहाँ से मुझे प्रेरणा मिली थी कि सुबह का जो टाइम है जिनको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं वो बहुत ब्लेसिंग और आशीर्वाद से भरा है। तो 13-14 साल की छोटी उम्र में मैंने सुबह 3 बजे उठना शुरू किया और मेडिटेशन, उसके बाद विजुलाइजेशन और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो कुदरती शक्ति को डेवलप करना, बड़े बड़े ड्रीम्स करना, खुद के ऊपर भरोसा रखना, ये सारी चीज़ सुबह अर्ली एज में ही मैंने सीखना शुरू कर दिया, मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। तो आज पूरी ज़िंदगी लास्ट 35 साल से आज भी मैं सुबह 3 बजे उठ के 3 से 7-4 घंटा मैं अपने आप को देता हूँ, जिसमें ये सारी चीज़ करके मेरी इनर स्ट्रेंथ को मैं डेवलप करता हूँ, जो मुझे बचपन से मदद कर रही है और आज भी मदद कर रही है और आने वाले कल में भी मदद करेगा। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम बहुत ब्लेसिंग और आशीर्वाद से भरा है, सुबह उठ के ध्यान धरो, थोड़ी देर प्रेयर्स करो, विजुलाइज करो, बड़े बड़े ड्रीम्स करो, सारी चीज़ दुनिया के अंदर आप अचीव कर सकोगे, जो मैं आज ईश्वर की कृपा से कर रहा हूँ। ये हमारी टीम में से बहुत सारे लोगों ने शुरू भी कर दिया, इनके पास से सीख।
अभी मैं यहाँ पे खड़े खड़े गूगल कर रहा था, रिजवान रजिया फाउंडेशन के वेबसाइट पे गया, देखा वहाँ लाखों लोगों को फ़ायदा मिला आपसे। तो अभी आपने कहा भी कि फिल्म की जो कमाई होगी वो कमर्शियल या व्यापारिक नहीं होगी बल्कि चैरिटी में जाएगी, तो क्या अपील करना चाहेंगे अपने दर्शकों से और देशवासियों से? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, 2015 में रिजवान अदतिया फाउंडेशन अस्तित्व में आया इंडिया और अफ्रीका में। लास्ट 5 साल से हम लोग, हमारी टीम दिन रात मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये 5 साल के अंदर 5 लाख से ज़्यादा लोगों की हमने सेवा की है। 3 बार पर्सनली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने का अवसर मिला, 36 अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारे मान सम्मान भी मिले हैं, बहुत मोटिवेशन भी मिला है, और आगे भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि अगले 3 से 4 साल में हमारा प्लान है कि पूरे इंडिया के अंदर 90 विलेजेस को अडोप्ट करना है, और पूरे विलेजेस को डेवलप करना, जिसमें खास करके हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी जो की एरिया से वहाँ हम काम करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब भी कॉर्पोरेट्स को स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा, आप सब भी हम जोड़ो, हमारी मूवी की इनकम तो हमारे पास आएगी लेकिन आप लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, तो हम ये हमारा जो ड्रीम है ये 3 साल का वो हम अचीव कर सकेंगे, और आप हमारे ये अच्छे काम में पार्टनर भी बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से फिल्म देखने के लिए? फिल्म देखने के लिए युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ डू वॉच, बिकॉज ये मूवी में से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है, बहुत सारे उम्दा विचार मिलते हैं, जो बहुत सारी सोच मिलती है कि हम लोग कैसे और किस दिशा में जा सकते हैं, अपने भविष्य को कैसे सुधार सकते हैं। बेकार में पबजी खेलना या तो कोई भी मोबाइल की कोई भी एप्लीकेशन में अपना टाइम पास करना, उससे अच्छा आगे बढ़ना, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना, अपनी फैमिली के साथ अपने मोहल्ले को आगे बढ़ाना, मोहल्ले के साथ अपने गांव, अपने शहर, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना, ये बहुत कुछ इसमें से सीखने जैसी बात है। प्लीज़ ये मूवी देखिएगा, और एक बार इसलिए देखिएगा क्योंकि अगर आपको ये रिजवान भाई जो पुण्य कर रहे हैं उसमें हिस्सेदार होना हो तो वो हिस्सा आपको डेफिनेटली मिलेगा, उस पुण्य का बहुत सारा मूल्य है, इसे समझ लेगा। प्लीज़ ये मूवी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, रिजवान मूवी आज पूरे देश में देखी जाएगी, किस प्रकार का आपका रोल रहा और कैसा ये प्रोजेक्ट है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये फिल्म ऐसी है, एक मोटिवेशनल है, एंकरेजिंग है, इट्स लाइक यू नो टीचिंग यू हाउ टू लीड योर लाइफ। क्योंकि देखिए क्या है कि हर एक जन जानते हैं रामायण महाभारत सुनी है, पढ़ी है, देखी है, हर एक की जिंदगी राजा राम और भगवान कृष्ण की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आए हैं, अप्स एंड डाउन्स आए हैं। लेकिन आज एक हम आम जनता, हम भगवान नहीं हैं, हम एक आम जनता है जिसको तकलीफ होती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसमें किस तरह से उठता है और ज़िंदगी को लीड करता है अपने एथिक्स के साथ, अपने डिसिप्लिन के साथ, और सही रास्ते पे चलता है, और फिर बाद में वही चीज़ वो समाज को क्या वापस देता है, समाज को किस तरह से रास्ता दिखाते हैं, लीड करते हैं। तो बेसिकली फिल्म अबाउट इट एंड आई एम वेरी ग्रेट, थैंक यू सो मच टू रिजवान सर एंड थैंक यू टू हरेश व्यास सर जो डायरेक्टर हैं हमारे के प्रोड्यूसर है, और उन्होंने मुझे इस लाइक समझा कि आई एम परफेक्ट फॉर शर्मा आर्टिस्ट ऑफ टाइम, एंड एज वेल एज माई होल टीम, स्पेशली विक्रम, ऑल माई एक्टर्स टीम, ऑल माई टेक्निकल टीम, जिन्होंने हर एक चीज़ का ध्यान रखा, बिकॉज आई शुड लुक लाइक अ शर्मा आर्टिस्ट। तो हेयर से लेकर मेकअप, लाइट्स, योगी दादा, हर एक डिपार्टमेंट, देखा है कोई नाम दो में वो रह जाए तो आई एम सॉरी, लेकिन हर एक जन ने जो मेहनत की है, नाउ वी आर लाइक अ फैमिली, हम लोग पूरे, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं वी आर फ्रॉम रिजवान फैमिली, तो दिस इज आई एम फीलिंग प्राउड। सर आप क्या कहना चाहेंगे
रियल लाइफ में महान समाजसेवी रिजवान जी का रोल आपको प्ले करने को मिला, तो कैसा प्राउड महसूस कर रहे हैं आप, कितनी खुशी आपको हो रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इंटरव्यू लेने के लिए मिला, और ऑफकोर्स मुझे रिजवान भाई का जो रोल अदा करने के लिए मिला है ये बहुत ही चैलेंजिंग रोल था, इसलिए क्योंकि पॉजिटिव रहने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। अच्छा, सबसे पहले ये बात बता दूँ कि ये मूवी इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, कि कैसे सकारात्मक विचार को हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ावा दे, उसको बढ़ाए, और नकारात्मक सोच कैसे ख़त्म कर दें, और वो बहुत सरल तरीके से, मतलब उसके लिए उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, इसके लिए उन्होंने कुछ कहीं सीखा नहीं है, कोई क्लासेस नहीं की है, ओनली एंड ओनली अपने बहुत सालों से जो हमारे घर के अंदर है, हमारी भगवद गीता, हमारी बाइबल, हमारी कुरान, इन सभी ग्रंथ को पढ़ के इन्होंने ये समझा है कि पॉजिटिविटी यहाँ से आती है, और ये बहुत ही बड़ी बात है, हम लोगों को सबको सीखनी चाहिए, और इसीलिए ये रोल मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि रिजवान भाई के अंदर, रिजवान जी के अंदर माइनस में भी नेगेटिविटी नहीं है, ही इज़ सो पॉजिटिव। जो हम लोगों ने सिर्फ अभी तक बुक में पढ़ा होगा कि पॉजिटिव रहना चाहिए, मैंने रियल में देखा है कि ये बंदा सच में पॉजिटिव है। 28 फरवरी को फिल्म रिलीज हो रही है, कल वो दिन आ गया है, आज पीवीआर में लगा हुआ हम लोग यहाँ प्रेस शो करने आए हैं, तो देश के किन किन हिस्सों में और कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में सबसे पहले ये मूवी लोगों को देखने को मिलेगी? देश के बहुत सारे हिस्सों में, वो यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, एमपी है, एमपी में भी, राजस्थान है, हैदराबाद है, दिल्ली है जी, क्योंकि ये फिल्म ऐसी है, मोटिवेशनल है, दिल्ली, गुड़गांव, बहुत 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 सारी जगह पे हो रही है। हम लोगों ने अभी तक वैसे देखा जाए तो 150 जितनी स्क्रीन मूवी, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाएगी, डेफिनेटली हम लोग आगे 500 तक का तो टारगेट है हमारा, उससे भी ज़्यादा जाएगा। मूवी रिलीज के पहले भी देश के विभिन्न हिस्सों में आपने जाके प्रेस शो किया, लोगों के बीच गए, तो क्या रिस्पांस मिल रहा था लोगों? बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा, लोग खाली हमारा ट्रेलर देखते थे और वो देख के उन लोगों को ऐसा लगता था कि ये मूवी में सच में बहुत दम है, और मैं क्योंकि ये मेरी फर्स्ट हिंदी मूवी है तो मैं बहुत ही सरप्राइज था कि खाली ट्रेलर देख के इनको इतना कैसे मालूम पड़ता है, तो मुझे हमारे हरेश जी ने बताया था कि दे आर द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, कि जो लोग ट्रेलर देख के ही उन लोगों को मालूम पड़ता था कि मूवी के अंदर क्या होगा। ऑल ओवर वर्ल्ड से, इनफैक्ट आप बोल रहे सिर्फ इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से मुझे फोन्स आते हैं आफ्टर वॉचिंग द प्रोमो, इतने फोन्स आए हैं, सब लोगों ने बोला है, किसी ने ऐसा नहीं बोला कि फिल्म किस बारे में, सब लोगों ने बोला प्रोमो देख के इतना इंस्पिरेशन मिला है, इतना इंकरेज हुआ है, वी वॉन्ट टू वॉच। और एक छोटी सी बात मुझे ये बतानी है जो बहुत ही ज़रूरी है, ये मूवी हम लोगों ने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई है, ये मूवी हम लोगों ने रिजवान भाई को, रिजवान भाई की बायोपिक है, तो ये मूवी के लिए रिजवान भाई कैसे हैं ये दिखाने के लिए नहीं बनाई है ये मूवी, इसलिए बनी है क्योंकि आप लोगों के घर में, आपके दिल में, आपके मन में जो भी नेगेटिविटी होगी उसको आपको जहन से निकालना है, पॉजिटिव बनना है, प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स नहीं है, वो चैलेंज है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि ये जो दिक्कत आई है वहाँ से आप कैसे बाहर निकलें, ये जो दिक्कत है वहाँ से आप कैसे उभर के बाहर निकले और बहुत बड़े पैमाने पर बाहर निकले। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि रिजवान भाई मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और इस मूवी में से जितना भी फंड आएगा वो सब उनके ही फाउंडेशन के अंदर जाने वाला है, और पूरी दुनिया को ये मालूम है कि रिजवान भाई का जो रिजवान अड़तिया फाउंडेशन जो है वो अपने खुद के लिए नहीं, वो लोगों के लिए, गरीबों के लिए, और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट है जिसके अंदर वो लोग जनता को दान देते हैं, और न सिर्फ दान लेकिन उनकी तबीयत भी देखते हैं, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, और इन्होंने शायद एक या दो तीन गांव भी एडप्ट किए हुए हैं, और ये जो फाउंडेशन में से जितना भी जो भी इनकम होगी ये सारी की सारी गरीबों की सेवाओं के लिए बांटी जाएगी, और ये मैसेज, ये चीज़ बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी बड़ी बात है कि ये हर कोई नहीं कर सकता। अबाउट एजुकेशन, आप एजुकेटेड कितने हैं, आपके पास कितनी बड़ी डिग्रीज है वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता, मायने नहीं रहता, ठीक है, नंबर एक ये। दूसरी बात कि ये जो फिल्म है, जो हर एक जन को, जैसे विक्रम ने जिस तरह से बताया कि एवरीबडी को, किसी को ज़रूरत, हम किसी को भी दान देते हैं, किसी को भी पैसे देते हैं, एजुकेशन देते हैं सबको,
लेकिन किसी बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को इंडिपेंडेंट बनाता है। तो यह रिजवान भाई की खासियत है कि लोगों को नीडी को एजुकेशन के साथ साथ उनको इंडिपेंडेंट बना दें कि आप उन पर निर्भर ना हो, लेकिन हम आपको रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाना बहुत सही। आप बीच में आइए ना, बीच में अभी बात नहीं आइए ना।